हाय गाइस, वेलकम टू सत्याज ग्रीन वर्ल्ड। हमारे देश में लगभग हर प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भारत में किसानों को कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हमारे देश में लगभग हर प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। दिलचस्प है कि भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात के पश्चिमी तट से अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी तक सैकड़ों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आइए इस वीडियो में जानें कि भारत में कितने प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, फसल क्या है। मनुष्य जो अपने लाभ के लिए जिन पौधों को किसी क्षेत्र में एक निश्चित कार्यक्रम और योजना के अनुसार उगाता है, उसे फसल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो फसल एक पौधा है जिसे लाभ के लिए बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। भारत में फसल क्षेत्र, मौसम, आर्थिक मूल्यों आदि के आधार पर विभाजित करने के कई प्रकार हो सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। ऋतु आधारित फसलें। फसलों की खेती मुख्य रूप से मौसम पर निर्भर करती है। भारत में तीनों मौसम, खरीफ, रबी और जायद में फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ की फसलें। भारत में खरीफ की फसलें बारिश के मौसम के दौरान जून जुलाई के महीने में उगाई जाती हैं। इनको वर्षा ऋतु की फसलें भी कहते हैं, जिन्हें सर्दी के मौसम के शुरू होने से पहले काट लिया जाता है। खरीफ के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों के लिए अंकुरण के वक्त सामान्य तापमान और हवा में नमी की जरूरत होती है, जबकि फसल को पकने के लिए तेज धूप और अधिक तापमान की जरूरत होती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन इत्यादि शामिल है। रबी की फसलें। रबी की फसलें सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं। इनको शरद ऋतु की फसलें भी कहते हैं। रबी की फसलों को बुआई के समय ठंडे मौसम की जरूरत होती है, जबकि पकने के दौरान इन्हें भी अधिक तापमान और सूर्य के प्रकाश की ज्यादा जरूरत होती है। इन फसलों को जाड़े के प्रारंभ होते ही बोया जाता है और गर्मी के प्रारंभ में अर्थात मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में गेहूं, जौ, चना, आलू, तंबाकू, मसूर, सरसों और मटर जैसी फसलें शामिल हैं। जायद। इन फसलों को रबी की फसल कटने के तुरंत बाद मार्च के महीने में उगाया जाता है और खरीफ की फसलों के उगाने से पहले काट लिया जाता है। इनको ग्रीष्म ऋतु की फसलें भी कहते हैं। जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें काफ़ी कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं, परंतु इन फसलों को ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में खरबूज, खीरा, तरबूज, लौकी, तुरई, मिर्च और टमाटर जैसी फसलें शामिल है। भारत में विभिन्न राज्य में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं और हर एक राज्य की कुछ प्रमुख फसलें हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। कृषि हमारे देश की रीढ़ है। इसमें फसलों की खेती, पशुपालन, कृषि वानिकी आदि शामिल है। हमारे देश में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आइए भारत की प्रमुख फसलों पर गौर करें। अनाज वाली फसलें, चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, चना, सोयाबीन और मूंग। वाणिज्यिक फसल, कपास, जूट, गन्ना और तंबाकू। वृक्षारोपण वाली फसलें हैं, चाय, कॉफ़ी, नारियल और रबर। और बागवानी वाली फसलें, अंगूर, कसावा, इलायची, नींबू, अमरूद, अनार और केला। धान, गेहूं, बाजरा, चना, गन्ना, कपास, तिलहन, चाय और कॉफ़ी। संक्षेप में कहें तो फसलें स्थानीय मौसम, मिट्टी, वनस्पति और पानी की उपलब्धता के आधार पर ही बोई जाती हैं। किसी भी देश की जलवायु का वहाँ की फसलों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि जो फसलें ठंडे प्रदेशों में उगाई जाती हैं वह शुष्क और गर्म प्रदेशों में नहीं उगाई जा सकती। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये जानकारी? ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।